नॉर्वे खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के बहरान से निमटने के लिए 52,80,000 डॉलर फराहम करेगा। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक ने ग्रांट के मौदे पर दस्तखत कर दिए। सेक्टर फाइनेंस डिवीजन नूर अहमद और एशियाई डेवलपमेंट बैंक के पाकिस्तान के लिए कंट्री डायरेक्टर शियाओ योंग योंग ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब के बाद एडीबी की कंट्री डायरेक्टर शियाओ होंग योंग ने इस्लामाबाद में नॉर्वे के सिफारतखाने में नाजिमुल अमूर से मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। मुआहदे के तहत नॉर्वे की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के बहरान से निमटने के लिए 52,80,000 डॉलर फराहम करेगी। ये ग्रांट पाकिस्तान जलजला फंड के गैर इस्तेमाल शुदा वसाइल से हासिल की गई है और इसकी निगरानी एडीबी करेगा। एडीबी की कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि ग्रांट से खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में इमरजेंसी सर्विसेज, जरूरी आलात की फराहमी और गरीब अफराद की मदद की जाएगी। ग्रांट के हवाले से उनका कहना था कि ये नॉर्वे की हुकूमत और एडीबी की पाकिस्तान में आफात के खतरात में कमी लाने के लिए शराकत दारी के अज़्म का इजहार है। इससे कबल एडीबी ने मई में वबाई सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से 3 करोड़ डॉलर मुख्तस कर दिए थे और NDRF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सूद से हासिल 2 करोड़ डॉलर मुख्तस किए थे।